आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद गौस अली और आप देख रहे हैं जेस्ट न्यूज। आज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री पंडुरंगा राव ने आईटीआई ताड़वन वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। आइए देखते हैं अब्दुल फताह की ये रिपोर्ट। मैंने आया था, हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ओनली ड्राइवर्स को देंगे और जो फैमिली मेम्बर्स है वो जीएचएमसी के वैक्सीनेशन सेंटर से वहाँ पर ले सकते हैं। अभी 21 से पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्री प्रोग्राम है वैक्सीनेशन 18 से 18 ईयर्स का, उसमें आप कोई भी ले सकते हैं वहाँ पर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम से कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम ओनली ड्राइवर्स को हैं। ठीक है। अच्छा सर, इन केस किसी के लाइसेंस 6 महीने साल भर पहले एक्सपायर हो गए, भी लॉकडाउन की वजह से हालात ख़राब हो गए, वो लोग लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करे, तो उन लोगों को भी एक्सपायरी लाइसेंस पे यहाँ पर टीका मिल सकता। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन एक साल का पहले का भी एक्सपायर है तो भी देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू सर। वैक्सीन सेंटर हमारा वैक्सीन सेंटर 22 तक ओपन ही छे, शॉर्ट बुक करने के एच बुक कर सकते, वैक्सीन इधर कर सकते, दूसरा भी काम भी नहीं जाते, फ्री वैक्सीन है, गवर्नमेंट फैसिलिटी दी है, प्लेस करना। तो 27 तक ये टाइम रहेगा ना, कल से टाइम ज़्यादा हो जाएगा, कल से टाइम ज़्यादा हो रहा ना, तो ज़्यादा करेंगे तो पब्लिक आए तो सहूलत करेंगे। अच्छा, पब्लिक आए तो क्या क्या करना। अच्छा भाई, फ़ोन कर रहे भाई, हमारा लोग हम स्टाफ के लिए अड्डा पे फ़ोन करके बोल रहे, कोई भी नहीं आ रहे, क्या करना बोल रहे सर। पब्लिक में थोड़ा रुझान दीजिए कि उनकी सहूलत के वास्ते इतना ये कर रहे, उसके बावजूद भी पब्लिक नहीं आ रही। बोल दिया 9 बजे से 4 बजे तक जो रहे। RTA साउथ जोन की जानिब से अमनोसपुरा डिवीज़न के मोची कॉलोनी ताड़बन ITI सेंटर पे ऑटो ड्राइवर्स, मोटर कैब, मैक्सी कैब, लारी ड्राइवर्स के लिए लाइसेंस और आधार कार्ड लेकर आने पर यहाँ पर फ्री वैक्सीन दिया जा रहा है। RTA महकमे की जानिब से डेली ड्राइवर्स को कॉल भी किया जा रहा है, उसके बावजूद ड्राइवर जो 100, 200, 250 ही आ रहे हैं, 1000 आदमी का डेली का पर डे टारगेट है। अगर ड्राइवर्स आज वैक्सीन नहीं लेंगे तो कल पेट्रोल पंप पर LPG गैस नहीं दी जाएंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट TRS की भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट BJP की भी है, कि दो गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं कर सकते अपन, कभी भी कुछ भी कर सकती पब्लिक के लिए। इसीलिए हमको चाहिए कि वैक्सीन ज़रूर ले लें, पहले वैक्सीन लें, पहले आए और पहले पाए का जो एक काम है। अगर आज वैक्सीन नहीं लेंगे फ्यूचर में राशन की दुकान पर आपको राशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, पहले वैक्सीन लेकर आओ बाद में राशन देंगे, हो सकता है ऐसा भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ऑर्डर्स है, ऐसा हो सकता है। साउथ जोन RTA की जानिब से जो काम किया जा रहा है बहुत बेहतरीन काम किया जा रहा है, इस तमाम सहूलतों के साथ, और आप सभी ड्राइवर्स से और ड्राइवर्स के फैमिलीज को कह रहा हूँ कि फ्रंट वॉरियर पे आपको भी रखा गया है, इससे बहुत बड़ा एहसास है, इसका श्रेय सीधा सारा सीधा सीधा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ख़ास करके साउथ जोन RTA की जानिब मुतवज्जो होता है। आप सभी से गुजारिश है कि आए और वैक्सीन लें, सुबह 8 बजे से शाम में 4 बजे तक आपकी सहूलत के लिए साउथ जोन RTA यहाँ पर मौजूद है, तमाम हेल्थ वर्कर्स के साथ। स्पेशली यहाँ पर जो सेंटर डाला गया है इसके एडवर्टाइजमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से किए गए हैं, बहादुरपुरा, किशनबाग, 9 नंबर से लेकर जानुमा डिवीज़न, दूधबोली डिवीज़न, सारे डिवीज़न में, खासकर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में इसका प्रचार किया गया है। आप सभी से फिर एक बार गुजारिश की जाती है साउथ जोन RTA की जानिब से और रमनसपुरा डिवीज़न के तमाम वर्कर्स की जानिब से भी कि आएँ और अपने अपने ड्राइवर्स को वैक्सीन दिलवाएँ, ड्राइवर्स के साथ साथ ओनर्स भी जिसके पास लाइसेंस है वो भी आकर यहाँ पर वैक्सीन ले सकते हैं। गवर्नमेंट फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है, चाला सतोष मुख्यमंत्री गारी धन्यवाद, वो इंटर ड्रैवर्स अं आटो ड्रैवर्स क्या ड्रैव ఇలాంటి అవకాశాన్ని అందరూ ఖచ్చితంగా వాడాలి, ఉపయోగించుకోవాలి, ఎందుకంటే మళ్ళీ వ్యాక్సిన్ దొరకట్లేదు కూడా, వ్యాక్సినేషన్ ఒకటే, వ్యాక్సిన్ ద్వారా మనం కరోనా కంట్రోల్ చేయొచ్చు,
करोना पूर्ति कंट्रोल अवर वार पानी रेप टाइम पड़ी अंदर टाइम प्रकार वे वाल Thank you.